कड़ाके की सर्दी और गिरते तापमान में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को राहत देने के लिए कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल, जैकेट और गर्म वस्त्र बांट रहे हैं। तैलिक महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहित राठौर बताते हैं कि तैलिक महासंघ के लोग और अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठन के साथी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि फुटपाथ पर सो रहे लोगों को सर्दी से राहत मिल सके। और आज हमारा 7वां दिन है। हम 7 दिनों से लगातार शहर में जगह जगह जाकर लोगों को गर्म वस्त्र, कंबल और जैकेट बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ सपा नेता नीरज यादव, शांति दास संखवार, प्रताप सिंह प्रतिदिन इस कार्य को करने में उपस्थित रहते हैं और ईश्वर की कृपा से यह कार्य हम प्रतिदिन चला रहे हैं और आगे भी इस कार्य को चलाने का प्रयास करते रहेंगे। जी, किस प्रकार से आपने लोगों की मदद की है और क्या क्या लोगों को मिला है? देखिए, हम लोग तेरे महासंघ की पूरी टीम लगातार 7 दिन से लगातार चल रही है। आज हमें 7 दिन है और हम 7 दिन से लगातार लोगों के बीच में हैं। मैं पूरी तेरे महासंघ की टीम को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे साथ में रात में 12 बजे तक लगातार काम करते हैं, 1 बजे तक लगातार काम करते हैं। और हम लोगों ने आज घंटाघर, जैन मंदिर, नगला बरी, रसूलपुर और काफ़ी जगह पे स्टेशन रोड पर भी बांटी थी हमने। और आपका तो किस कैसे कैसे ज़रूरतमंद लोगों को क्या क्या चीज़ दी जा रही है? देखिए, जिस लोगों को जो ज़रूरत होती है, जिसको जूते की ज़रूरत होती है उसको हम जूते देते हैं, जिसको कंबल की ज़रूरत होती है उसको कंबल देते हैं, जिसको जैकेट की जरूरत होती है उसको जैकेट देते हैं, जो उसकी ज़रूरत होती है। कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अलाप की उनकी ज़रूरत होती है, उनको हम अलाप भी प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमने इंसान जन्म लिया है तो हमारे शरीर से जितनी मेहनत हो सकती है, जितना भी हम उन लोगों का लाभ कर सकते हैं, जो लोगों की उन लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी हमारी तरफ से हो जाए।